आज मैं आया था सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, और योगी जी और मोदी जी की सरकार ने भारतीय संस्कृति और इसकी सभ्यता को जो जागृत करने का काम किया है, आज बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर उसको देखने से प्रतीत होता है। राज्य के भीतर ऐसे सारे तीर्थस्थलों का विकास किया जा रहा है, और मुझे आज यह सौभाग्य मिला है कि मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन सावन के महीने में करूं, और उस निर्माण कार्यों को भी देख करके ये लगता है कि ये जो काम 70 साल पहले होना चाहिए था, आज भाजपा का इंतजार था, मोदी जी और योगी जी का इंतजार था, जो उस काम को पूरा कर रहे हैं। कोई आंदोलन है? मैं पूछ रहा हूँ, चंदौली के भीतर कोई आंदोलन है? बॉर्डर पर कुछ लोग यदि बैठ जाएं, जो हमारे जो लोग गलत तथ्यों के आधार पर भ्रांतियां पैदा करके देश को गुमराह करना चाहते हैं, जो संसद के भीतर बहस नहीं करना चाहते, बार बार 11 बार वार्ता भारत सरकार ने ऐसे लोगों से किया जिनसे बार बार इस बात को पूछा कि जो कमियां हैं हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं, और वो कमियां बताने के लिए तैयार नहीं है, और जिद यह है कि कानून को निरस्त कर दिया जाए। तो बिना तर्कपूर्ण तरीके से बातचीत किए हुए किसी समस्या का समाधान नहीं है, और ये उसकी मंशा जाहिर करती है कि किसानों का हित उनकी करना ये उनके पीछे छिपा नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, और इसके नाते किसानों को गुमराह कर रहे हैं। यदि वो सचमुच में किसानों के हितैषी होते तो इन तीनों कानूनों पर पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी बहस करके जो कमियां थी उनको सामने रखते, और भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर जी बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि जहां पर भी कमी होगी हम उसको ठीक करेंगे, और उन भ्रांतियों को तोड़ने का काम, जो मैंने बताया कि रिकॉर्ड MSP पर खरीददारी पिछले 4 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, हर साल किया है, 2017-18 में भी किया था, 18-19 में भी किया है, 20-21 में किया, तब हमने रिकॉर्ड बनाए हैं। उन लोगों को जब सत्ता के भीतर मौका था तो मैंने अखिलेश यादव के आंकड़े रखे कि MSP पर कितना खरीदारी किया, तो यदि वो किसानों के हितैषी होते तो अपने जमाने में वो बेहतर खरीदारी करा करके किसानों को अच्छी कीमत देने में सफल हुए होते। वह निष्फल हैं, नकारा थे, इसकी वजह से जनता ने उनको रिजेक्ट किया। आज सारे आंदोलन का कोई भी प्रभाव उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं है कि किसानों को केंद्रित करके और वहाँ पर उनको प्रशिक्षण, उनको योजनाओं का लाभ दिया जाए, और इसके लिए राज्य के भीतर लगभग 350 करोड़ रुपए का खर्चा करके हम लोग 351 स्थानों पर विकास खंडों के ऊपर इस प्रकार के कृषि कल्याण केंद्र बना रहे हैं, जहाँ एक छत के नीचे किसानों को बीज और कीटनाशक मिलने के साथ साथ उनको वहाँ पर एक बड़े हाल में उपलब्ध होकर के प्रशिक्षण या उनके साथ गोष्ठियां करना या नई तकनीकी की जानकारी देने का अभ्यास भी उनको कराया जा सकेगा। जी, एक आखिरी सवाल, क्षेत्रीय पार्टियां आ रही है बनारस मंडल में पर दो तीन सचिवों को लगाकर, और एक मिनट रुक जाइए, ये आपस में आदान प्रदान किए जाने से और अच्छी स्थितियाँ आती है। लगातार उन्होंने भाजपा का विरोध किया और अब मिलना क्या माना जाए? अब इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, ये उनसे पूछिएगा। 2022 नजदीक है। एक आखिरी सवाल, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो बाहर की पार्टियां हैं, यूपी आ रही है इस बार इलेक्शन के पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हर इलेक्शन में आती हैं, आने से क्या आप पे प्रभाव पड़ेगा या फिर आपकी राह आसान? जैसे बरसात के मौसम मेंढक निकल आते हैं, उसी तरीके से जब चुनाव आते हैं तो उन लोगों का कभी कभी उत्तर प्रदेश की ओर आना होता है, बाकी 4.5 साल वो कुछ काम नहीं करते और इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए वो आते हैं कि कुछ वोट काट करके जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता एक जागरूक जनता है, उनके प्रभाव में नहीं आने वाली। अब तो ये वही बताएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, राजनीति के भीतर मिलना एक बहुत अच्छी बात होती है, और ये आपस में आदान प्रदान किए जाने से और अच्छी स्थितियाँ आती है। लगातार उन्होंने भाजपा का विरोध किया और अब मिलना क्या माना जाए? अब इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, ये उनसे पूछिएगा। एक आखिरी सवाल, तमाम क्षेत्र में आती है, आने से क्या आप पे प्रभाव पड़ेगा या फिर आपकी राह आसान? जैसे